जाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे एक बिल्कुल नए व्लॉग में। एंड गाइस, मैं बोलना चाहूंगा जय श्री राम सबसे पहले, क्योंकि गाइस आज है 22 जनवरी, अपने राम के आने का दिन है। और आज हम अयोध्या तो नहीं जा पाए, वैसे भी वहां जाना आज थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और डेंजरस क्या, नॉर्मल लोग तो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये है कि भीड़ भाड़ इतना ज्यादा है कि परेशानी बहुत ज्यादा, करोड़ों लोग जाने वाले हैं। तो चलो भाई, हम तो अपने घर में कुछ अच्छा सा कर लेंगे। आप लोग भी अपने घर को ही बहुत अच्छा सजा देना, घर को आज दीपकों से सजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो में हमने भी कुछ छोटा सा प्लानिंग किया है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमने सोचा है कि हम दीपकों से ना जय श्री राम लिखेंगे यहाँ पे, बहुत बड़ा सा, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। पूरे घर को सजाना भी है, मैं बहुत सारे दीपक लेके आया हूँ, लगभग 100 के करीब, 100 से ज्यादा ही है। उनको भी पानी में भिगोना पड़ेगा, और अगर कम पड़ जाता है फिर से लेके आएंगे, लेकिन लिख के रहेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी घर को भी नहीं सजाया, वैसे घर को भी उसके डेकोरेट कर देंगे। और यहाँ पे देखो, पूरे हर जगह हिंदू का ये मतलब झंडा लगा हुआ है जय श्री राम का। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइज, एक हमने यहाँ पे लगाया है, दो गेट पर लगाए हैं, और वहाँ मंदिर में देख सकते हो केसरिया झंडे लगे हुए हैं। देखो, हमें यहाँ पे केसरिया झंडा नहीं मिला, आपको एक कमाल की बात बताऊँ, यहाँ पे झंडा ही खत्म हो गया। पहले तो आया 20 तारीख को झंडा, 21 को खत्म, मतलब मार्केट में मिला ही नहीं हमें झंडा कहीं भी, सारी दुकान वालों के पास खत्म हो गया। यहाँ पे इतना ज्यादा झंडा लोगों ने इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा लोग मतलब रैलियां निकल रही थी, ठीक है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा क्लिप, रैलियां वगैरह निकल रही थी, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आप लोगों का उधर माहौल कैसा चल रहा है, बस आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी चलो अंदर आपको दिए दिखाता हूँ, दिए को भिगोते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ये वो जगह होने वाली है, ठीक है, यहीं पे हम वो करने वाले हैं जहाँ पे लिखेंगे जय श्री राम, काफी बड़ा, देखते हैं कैसा लगता है, कितना ज्यादा मजा आता है। मजा तो आएगा क्योंकि ऐसा हमने कभी कुछ ट्राई नहीं किया है, और दिन भी काफी बड़ा होने वाला है, बड़ा मतलब खास दिन होने वाला है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज फाइनली देख सकते हो धूप भी उग गई है, बहुत टाइम से धूप नहीं उगी थी। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि आज सबसे ज्यादा स्पेशल चीज और डिमांडिंग चीज होने वाली है। देखो, ये दिए लेकर आए हम लोग, और ये ठीक है, देखते हैं इससे होता है नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इससे नहीं हो पाएगा। कुल मिला के 130 से भी ज्यादा है, और पता नहीं इससे होगा या नहीं, पहले इनको पानी में देंगे, नहीं तो तेल काफी ज्यादा खींचते हैं दिए, सारा तेल ऐसे ही खींच जाएंगे, और आपको पता है पता नहीं कितना तेल लगने वाला है, पहले इनको पानी में दे देते हैं, डाल देते हैं। इधर देखो, मम्मी ने पूरा आंगन गोबर से लिपाई कर दिया है, गाँव में ऐसे होता है, तभी इस जमीन को और भी शुद्ध माना जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा साफ एकदम क्लियर दिखाई देगा, अभी तो बिल्कुल गीला है, सूख भी जाए तब तक जब तक हम दिए हुए का अरेंजमेंट करते। गाइस ये रहे हमारे दिए, ये मैंने पूरे टोकरी में भर लिए हैं, इनको यहाँ पे पानी लाकर फूलने देते हैं। यहाँ देख सकते हो, हमने दियों को भिगो दिया है, और इनको अब एक एक करके यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे दिए धुल गए हैं, और ये दियों को सजा रहे हैं। यहाँ पे इन सारे कामों के बीच में एक स्पेशल चीज तो आपको बताना भूल ही गया, यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट है। ये देखो, ये बॉक्स देख के क्या दिखाई दे रहा है आपको, भाई न्यू स्मार्टफोन गाइस, यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, ये बिल्कुल न्यू स्मार्टफोन है। ऐसे जाते जाते रास्ते में मैंने खरीद लिया था इसे, जस्ट किडिंग गाइस, ये मेरा है ही नहीं मेरा नहीं है गाइस, तो किसी और का स्मार्टफोन है, लेकिन बिल्कुल न्यू है अभी बॉक्स, मतलब अभी 2-3 दिन पहले लिया है इसको। इससे व्लॉग बनाऊंगा, क्लिप्स आपको दिख जाएगी वीडियो में। गाइस इस वक्त 1:30 बज रहे हैं, और देखो मैं भी नहा चुका हूँ, ये भी नहा चुका है, ये सुबह से नहाकर घूम रहा है। आज का प्लान सबसे पहले तो आपको बता दिया, दिए से राम लिखना है, ठीक है, जय श्री राम वो तो फिक्स है, लेकिन एक और प्लान है जो कि अभी सक्सेसफुल अगर हो जाए तो हम आपको दिखाते रहेंगे व्लॉग। देखो हम लोग का प्लान था कि आज हम प्रसाद वितरण करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे खीर बनाने का सोचा है। क्या कहने का मतलब है कि आज जो है प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसके बाद कल प्रसाद वितरण होगा, लेकिन हमारा कहना है कि हम तो छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कभी भी कर सकते हैं गली मोहल्ले के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम थोड़ी है, तो इसलिए आज हमने आज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बाकी प्लान के अनुसार काम होगा। राम राम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहां।
गाइस इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और हमारा प्रसाद वगैरह बनाने का काम जो है खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पे देखो झाड़ू लगा दिया हो, यहाँ पे दीपक से जय श्री राम लिखना है। मंदिर में भी हमने थोड़ी बहुत रंगोली बनाई है, वो आपने देख लिया होगा सिनेमैटिक्स में, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में भी दिखा दूंगा। फिलहाल अब यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोग्राम है ना वो शुरू करेंगे। घर घर में है गूंजे जय श्री राम, घर घर बोलेगा जय श्री राम, उड़े भगवान रंग में जय श्री राम, जीत गया सनातन जय श्री। गाइस ये मुझे सम्मानित कर रहा है, पता नहीं इतना बड़ा सम्मान किस लिए दे रहा है। अरे यार जय श्री राम गाइस। अब हम बिल्कुल रेडी है, 4 तो बज ही गया होगा। हाँ एकदम। तो गाइस 4 बज चुका है और हमारे पास बहुत कम टाइम है, प्रसाद का वितरण भी करना है और यहाँ पे इसको भी बनाना है। जल्दी से बनाते, ऊपर से डर लग रहा है दिए कम हो गए तो उसमें भी दिक्कत है। चलो जल्दी से यहाँ पे जय श्री राम लिखते हैं और फिर जल्दी से आप लोग सिनेमैटिक देखो, तब तक हम लोग काम करते हैं। सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है, प्रसाद का वितरण शुरू करना है। आप लोग सिनेमैटिक्स देखो, ठीक है, तब तक हम लोग करते हैं। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। गाइस फाइनली ये शाम का टाइम है एंड ये हमारा जो जगह है उधर जगमगा गया है जय श्री राम से। इसको लिखने में भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इतना भी इजी नहीं था कि हमने इसे तुरंत लिख लिया, लेकिन चलो फर्स्ट टाइम था, लेकिन हर साल हम ऐसा करेंगे, ठीक है, अगर हम कैपेबल हुए तो करेंगे। किस तरह का लग रहा है कमेंट जरूर करना और जय श्री राम जरूर एक बार कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स, बहुत ज्यादा अच्छा बना मेरे हिसाब से, आप बताओ। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए, राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे, 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे हमारे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ ना पाए, कहा